अब आते हैं जी कि कैसे जो है वो हम कोशिश कर सकते हैं कि हमारी मेमोरी जो है वो बेहतर हो जाए। कुछ ग़िज़ाओं के बारे में भी कहा जाता है कि ये मेमोरी के लिए बड़ी अच्छी होती हैं, मसलन बादाम बड़ा मशहूर है, हाँ उससे तो खैर पक्का ही याद रह जाता है, उसका तो जवाब ही नहीं है ना। बेरीज की किस्में होती हैं वो तो फिर बेरीज की किस्में होती हैं जैसे ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरीज, ये बहुत ज़्यादा। हाँ ब्लूबेरीज के बारे में जो है वो ठीक है जी, और भी आ रही हैं अगली। फिर उसके अलावा हम इससे आगे ये फूड से चलते हुए, क्योंकि ये सुपरफिशियल जनरल आस्पेक्ट्स हैं, इनका रोल भी होता है, यकीनन होता है कि किसी डाइटरी कंपोनेंट की डेफिशिएंसी आ रही हो तो वो यकीनन आपकी उसकी फैकल्टी को, उस सलाहियत को थोड़ा मुतासर ज़रूर करती है, लेकिन दिस इज़ नॉट द ऑल कि कल से अगर बादाम खा लेंगे तो एवरीथिंग विल बी ओके, ठीक है, या कल से ब्लूबेरीज खा लेंगे, जामुन खा लेंगे तो हर चीज़ जो है वो बेहतरीन हो जाएगी, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, ठीक है। उसका एक जितना पार्ट होगा उतना ही होगा कि अगर वहाँ पर उसकी डेफिशिएंसी से, इट्स अ कॉज एंड इफेक्ट ना, रीज़न, अगर उसकी रीज़न आपकी मेमोरी की ख़राब होने की आपकी वो कोई जो ब्लूबेरी में कंटेंट्स पाए जाते हैं उसकी कमी थी तो वो करेंगे पूरी तो वो ठीक उतनी ठीक हो जाएगी, ठीक है, लेकिन अगर आदत ख़राब है, सोचने का तरीका ख़राब है, टेक्निक आपकी ठीक नहीं है तो वो ब्लूबेरी ठीक नहीं कर सकेगी, ठीक है ना जी, वो उतना ही ठीक करेगी जितना उसका रोल होगा, लिहाजा हर चीज़ का अपना एक रोल होगा। फिर जनरल मेंटल हेल्थ, ये ओवरऑल मेंटल हेल्थ जो है हमारी वो भी सारी, चूंकि सारा दिमाग मैंने इसलिए सारी चीज़ें एक्सप्लेन की थी ताकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि दिमाग कैसे काम करता है, तो दिमाग जो है वो काम चूंकि सारा इसमें इन्वॉल्व हुआ होता है तो उसकी ओवरऑल वेलबींग जो है वो ओवरऑल मेंटल हेल्थ अगर अच्छी होगी तो वो सारी चीज़ें ठीक हो रही होंगी, जिसमें मेमोरी भी होगी, ठीक। फिर आ जाएंगे कुछ जनरल टेक्निक्स हैं जो आप उसको प्रैक्टिस करेंगे तो उससे आपकी मेमोरी पे अच्छे असरात मरतब होंगे, और फिर कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस हैं, ठीक है। फूड्स में बात हो ही गई है मोर और लेस, एक हम जो करते हैं ना जैसे जैसे अभी इम्तिहान से पहले जैसे हमारी माएँ हमें दूध दही में वो शक्कर डाल के देती थी, या अभी हम कोई चॉकलेट रख लेते हैं कोई इस तरह की, या कोई कैंडी रख लेते हैं, तो वो उस तरीके से वो एक शुगर गश आता है एकदम से, ब्रेन की जो मेन गिज़ा है वो क्या है, ग्लूकोज, ग्लूकोज या शुगर, ठीक है, वो हमारे दिमाग के जो न्यूरॉन्स हैं उनकी मेन फूड जो है वो ये है, तो जब हम एकदम से उसको एक फूड देते हैं तो वो चमक उठता है। गोरे आपको पता है ज़्यादातर जो है वो हम भी करते हैं, हम तो और तरह के नाश्ते करते हैं, जनरली होता है कॉफ़ी का कप जो कि मैं अभी अब करता हूँ, और मुझे उससे फ़र्क पड़ा है बहुत ज़्यादा। मैं दफ्तर जाता था तो मेरा काम करने को मतलब हो ही नहीं रहा होता था, लेकिन ट्राइड कि यार चलें कुछ देखें कैसे जो है वो चीज़ें इम्प्रूव हो सकती हैं। तो एक मैंने ये ट्राई किया कि सिर्फ एक कॉफ़ी का कप और साथ को मिठाई का टुकड़ा, कोई चॉकलेट का टुकड़ा, कोई केक का पीस एक ले लिया, जिससे एकदम से आपकी सुबह सुबह शुगर लेवल बड़ा अच्छा हो जाता है, अगर खुदा ना खासा डायबिटीज़ नहीं है तो किसी को, ठीक है, वो रिस्क ना लें। तो उससे एकदम मुझे खुद फ़र्क पड़ा कि यार मैंने जब से ये शुरू किया, दफ्तर में मैं आता हूँ तो बहुत हशाश पशाश होता हूँ, मेरा काम दिमाग काम कर रहा होता है, तो आई मेड इट अ हैबिट, तो एक यूजफुल। लेकिन देयर इज़ अ लिमिट टू एवरीथिंग, ये नहीं है कि हम हर वक्त शुगरी चीज़ें खाते रहें, जैसे ये कोकास वगैरह होते हैं, कोको कोला और कोलास जो हैं, ठीक है, इनमें इतनी ज़्यादा शुगर होती है, और दीगर चीज़ों में थोड़ी क्वांटिटी जो स्पेसिफिक जो आप किसी टाइम पे लें, उसके अलावा लॉन्ग टर्म में जो है इस तरह की चीज़ें लेंगे तो उसके दिमाग के सेल जो हैं उनको डैमेज करती हैं ये चीज़ें, जो है उससे एहतियात करनी है। ये नहीं कि इस तरह के कोलास वगैरह या जिस चीज़ में बहुत शुगर है वो फ़ौरन लेना चाहिए कि दिमाग बड़ा तेज़ हो जाएगा, नहीं, वो आपको ख़राब करेंगी, वो बॉडी के अंदर वैसे भी उसकी एक मखसूस ही क्वान्टिटी चाहिए होती है, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए होती है, ठीक है, तो उससे एहतियात वो नहीं करना, वो उल्टा ख़राब करेगी लॉन्ग टर्म में जो है वो। शॉर्ट टर्म में जो है वो कभी आपको जब ज़रूरत होती है मॉर्निंग में एक छोटी चीज़ ले ली तो वो दैट इज़ इनफ। फिर है ज़्यादा हुई, ज़्यादा कैलोरीज हैं, मोटापा है, वो चीज़ें जो हैं उस तरीके से हैं तो वो भी आपके मेंटल एक्टिविटी को डिस्टर्ब करती हैं, तो आपकी मेमोरी को भी नेचुरली इफेक्ट करती हैं। जो ज़्यादा यूज़फुल चीज़ें हैं जैसे अभी बात होगी ब्लूबेरीज हैं, ये टॉप पे समझी जाती हैं, जो जितना भी मैंने लिटरेचर ब्राउज़ किया उसमें ब्लूबेरीज़ का बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो भी कंटेंट्स होते हैं वो मेमोरी इन्हांस करने में अच्छा रोल प्ले करते हैं। जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं जो इजी एक्सेस में है, ब्लूबेरीज़ को अंग्रेजी टाइप का फ्रूट है, वैसे उनकी एक फार्म जो है हमारे यहाँ जामुन के नाम से भी होती है, लेकिन वो असल में वो ब्लूबेरी जिसको वो कहते हैं वो यहाँ ज़रा कम ही मिलता है, बहुत रेयर है, तो हमारे जो
रूटीन के जो कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, इनके अंदर ऐसे कंटेंट्स होते हैं जो आपके दिमाग को हेल्प करते हैं। इनके अंदर चीज़ें होती हैं, एंटीऑक्सीडेंट एक चीज़ होती है, हमारे अंदर कुछ ऐसे आवारा चीज़ें फिर रही होती हैं जिनको फिर एंटीऑक्सीडेंट जो है वो किल करते हैं। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो हैं उनको वो उसके अंदर वो मिकदार खासी होती है कि वो गैर ज़रूरी चीज़ों को, टॉक्सिक मटीरियल्स को वो फाइट करते हैं। तो जब आपके ब्रेन सेल को कोई चीज़ डैमेज कर रही हो और आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लें जिसको वो उसको किल करें, तो आपके वो सेहतमंद खलिए जो हैं, वो न्यूरॉन्स जो हैं आपके ब्रेन के पार्ट जो हैं वो सेहतमंद होंगे, तो उससे ओवरऑल एक्टिविटी बढ़ेगी और ओवरऑल एक्टिविटी बढ़ने से आपकी मेमोरी भी बेहतर होगी। फिश ऑयल सप्लीमेंट बड़े अच्छे होते हैं इसके लिए और ग्रीन टी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। जनरल मेंटल हेल्थ जो है वो उसको बढ़ाने के लिए जो है वो जो चीज़ें जो हैं, हमारा पहला था फूड, वो हमने डिस्कस कर लिया कि कौन सी अच्छी हो सकती हैं कौन सी बुरी हो सकती हैं, ठीक है। तो जो अच्छी हैं उनको यूज़ करें जितना अच्छा कर सकते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वैसे भी अच्छे होते हैं। आगे आगे कि जनरल मेंटल हेल्थ हमारी जो है वो अच्छी होगी तो हमारा एक्टिविटी बढ़ेगी। स्लीप की बात यहाँ पर की थी, ये सारे आप लोगों को पता है, अच्छी स्लीप लेंगे 6-7-8 घंटे की, एक एडिक्वेट स्लीप जो है वो आपके दिमाग को रेस्ट देने के लिए, हर चीज़ है ज़ाहिर है उसका काम कर करके दर्द दर्द नीड रेस्ट, हमारी बाकी बॉडी को भी ज़रूरत होती है, दिमाग के सेल्स को भी ज़रूरत होती है, ठीक है। तो वो जब आप एक अच्छी स्लीप लेंगे तो आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होगा, दिमाग के जो न्यूरॉन्स हैं वो, जो ब्रेन मसल्स जिनको कह लें आप, वो आपके रेस्ट करेंगे, तो अगले दिन जब आप उठेंगे तो आपके अंदर बहुत सारी नई चीज़ें करने की सलाहियत होगी। एक्सरसाइज जो है, कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है कि एक्सरसाइज तो ज़ाहिर है यूज़फुल होती होती है, फिजिकल एक्सरसाइज जो है वो करेंगे, बॉडी की सर्कुलेशन खून की बढ़ेगी, ब्लड जो है वो उसको भी खून ज़्यादा जाएगा तो वो उनको न्यूट्रिशन ज़्यादा मिलेगी, वो पावरफुल होंगे, ताकतवर होंगे, दिमाग तेज़ होगा, ठीक है जी। फिर तीसरी चीज़ जो है वो हेल्दी रिलेशनशिप्स, ये साइंटिफिक रिसर्च की बात है कि आपकी फैमिली लाइफ कैसी है, आप इमोशनली कैसे लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपके यार दोस्त, आपका हल्का अहबाब कैसा है, आप उनके साथ कैसा वक्त गुजारते हैं। इफ़ यू आर इन ए पॉजिटिव रिलेशनशिप विद द पीपल, आप उनके साथ बैठते हैं, उठते हैं, वक्त गुजारते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने स्पाउसेस के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, तो अच्छी बातें करते हैं, खुश होते हैं वगैरह वगैरह। ये 2-3 तस्वीरें भी लगी हुई हैं, जैसे ये है, ये इसमें 2-3 चीज़ें इकट्ठी दे रहा है, इट्स अ गुड एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट फ्रेंड्स, शरारतें कर रहे हैं, कहके भी लगा रहे हैं, अगला टॉपिक कहके वाला ही है, लाफ्टर्स, लाफ्टर इज़ अ ग्रेट मेडिसिन, तो दे आर हैप्पी पीपल, ठीक है। इनका मेमोरी लेवल जो है निस्बतन बेहतर होगा जो कि एक डिप्रेस और स्ट्रेस रिडन बंदे का होगा, ठीक है, जो अलूफ रहना चाहता होगा, जो सेपरेट रहता होगा, इंट्रोवर्ट होगा, मिलता नहीं होगा लोगों से, चिड़चिड़ा होगा वगैरह वगैरह, तो तमाम नेगेटिव करेक्टरिस्टिक्स जिसमें हैं, जो बंदा आउटगोइंग है, मिलता जुलता है, अच्छी पॉजिटिव बात करता है, हंसता है, मुस्कुराता है, उसका दिमाग वैसे बड़ा चमकता रहता है, तो उसको चीज़ें याद रहती हैं, ये एक बड़ी, लाफ्टर उसी में डिस्कस हो गया, लाफ्टर से जो है वो बड़े फ़ायदे होते हैं, उससे भी कुछ सेक्रेशन रिलीज होती हैं, कुछ जो है वो आपकी वैसे सर्कुलेशन बढ़ती है, आप लाफ्टर करते हैं तो वो आपके चेहरे पे भी वैसे रोशनी आ जाती है, ग्लो आ जाता है। मेडिटेशन जो है वो भी आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बड़ी ज़रूरी है। ये साहब जैसे बैठे हैं आसन लगा के, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मेडिटेशन करने के लिए, मेडिटेशन जिस बेसिकली मेंटल एक्सरसाइज, इसमें आपने समय ले के खाली दिमाग होना होता है, अपनी सोचों को फिल्टर आउट करना होता है, उसको यकसुई देनी होती है, ठीक है। तो उसके लिए आप किसी भी पोचर में लेटे हुए भी आप अगर आप कर सकते हैं तो वो लेटे हुए भी हो जाता है, ज़रूरी नहीं है आप जंगल में जाएं, समुंदर के किनारे जाएं तो फिर ही योगा होगा या फिर ही वो होगा, वो ये आप किसी जगह भी बैठे हुए, आप चलते फिरते, वॉकिंग योगा नाम की भी एक चीज़ एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो वो आगे आगे थोड़ा सा इस पर मज़ीद बात कर लेते हैं। तो मेडिटेशन जो है वो ये है कि आप उनमें दिमाग को ख़ास तरीके से जो है वो ट्रेन करते हैं चीज़ों में, फोकस करने में। अच्छा जी, अब हम कुछ जनरल टेक्निक्स हैं जो अगर प्रैक्टिस करें तो उसमें हम जो है वो अपनी मेमोरी को बेहतर कर सकते हैं। फूड आपकी हो गई कि वो उनका कुछ हिस्सा है, अगर आप में कुछ कमी पाई जा रही है तो वो पूरी करेंगे तो कुछ बेहतर हो जाएगा। इसी तरह जनरल वेलबींग जो है, फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग जो है वो करेंगे तो उससे कुछ चीज़ें बेहतर होंगी। अब ये कुछ चीज़ें हैं, जनरल टेक्निक्स हैं,
ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक्चुअली ये जो इसका लुबे लबाब हैं और जो स्पेसिफिक आएंगे वो इन्हीं का आगे एक्सटेंशन या एक हिस्सा होगी, स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस जो इन्हीं को आगे प्रैक्टिस करने के लिए मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं। तो रेपिटेशंस, रेपिटेशन को उर्दू में क्या कहते हैं? रट्टा, ठीक है जी, तो रट्टा लगाना। दूसरी चीज जो करने की है वो है मैक्सिमम सेंसेस यूज करना अपनी। तीसरी चीज अटेंशन, फोकस, कंसंट्रेशन। चौथी चीज चीज को सही तरीके से समझना। पांचवी चीज इमेजेस बिल्ड करना, स्टोरियां बनाना, एसोसिएशंस, लिंक्स, कोई भी चीज आई है तो उसका इसके साथ क्या ताल्लुक है, उसके साथ क्या ताल्लुक है, उस तस्वीर के साथ ये वो सारी चीजें। फिर चीजों को प्रायोरिटाइज करना, जैसे अभी यहाँ किसी ने बात की थी। फिर जो है कि रीजन, हाँ वो चीज़ याद रखना ही क्यों चाहते हैं आखिर, वो बहुत बड़ा कुव्वत होती है कि जो अगर आपको ये समझ हो गई ये चीज़ मैं क्यों याद रखना चाहता हूँ तो वो वैसे याद रह जाएगी अगर आप उसको वजह उसके साथ याद होगी। रेपिटेशन, रेपिटेशन में अब दो तरह की चीज़ें हैं। एक तो वो है जो जैसे हम रटा लगाते हैं, सिंपल क्रैमिंग करते हैं, जैसे हमारे बच्चे जैसे कुरान हिफ्ज करते हैं तो बार 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 उसको कर करके बगैर सोचे समझे क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। इसी तरह और भी चीज़ें हैं, पहाड़े याद करते हैं स्कूलों के अंदर जो है वो टक 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 बार बार रिपीट करके, जैसे मैंने कहा कि एक मसल को आप करते रहें तो वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है, ताकतवर हो जाएगा। तो वो मेमोरी मसल उस लिहाज से आपका क्रैमिंग वाला वो जो है वो तगड़ा हो जाएगा, तो वो इन्फॉर्मेशन सारी जो है आपको जब भी करेंगे बगैर सोचे समझे टक 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 वो बोलना शुरू कर देगा, ठीक है। तो एक ही रस्ते से जैसे बार बार हम आते हैं तो हम ऑटो पायलट पे लग जाते हैं, एक ही रास्ते से घर जाते हैं ना गाड़ी चलाते हैं तो कई दफ़ा ख्याल भी नहीं होता तो घर पहुंच चुके होते हैं, ठीक है, तो सोच कुछ और रहे होते हैं। तो वो भी रेपिटेशन से वो करते 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 वो आपका ऐसा पाथवे बनता है, मसल बन जाता है कि वो आपको फिर उस पे जो है वो, तो ये सोचे समझे एक सिंपल क्रैमिंग है। हर चीज़ को आप क्रैम नहीं कर सकते, ठीक है ना, इन्फॉर्मेशन की भी डिफरेंट नेचर्स है ना, डिफरेंट टाइप्स की इन्फॉर्मेशन है, कुछ है उसको आप क्रैम कर सकते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होंगी जिसको आप सिर्फ समझ सकते हैं, कुछ ऐसी होंगी जिसको आप लॉजिकली एक दूसरे के साथ जब तस्वीर नहीं बनाएंगे उसकी आपको समझ नहीं आएगी, याद नहीं रहेगी, ठीक है। तो हर नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो डिफरेंट होती है। अच्छा, अब साइंटिफिक बेसिस पे रेपिटिशन की अपनी अहमियत बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल है, जब एक ही दफ़ा करेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन जो है वो दैट विल वेपरेट, जैसे वो मैंने बताया कि वाइब्रेट करती है, अगर आप उसको कंसॉलिडेट नहीं करेंगे, सेव का बटन नहीं दबाएंगे, सेव का बटन कैसे दबेगा, उसको रिपीट करने से, ठीक है, या और भी टेक्निक्स जैसे रिपीट करने से भी होगा, अंडरस्टैंडिंग से भी होगा, जितने हमने पिछली स्लाइड में किए हैं तरीके, ये सारे यूज़ होंगे मुख्तलिफ अंदाज में, मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन के हिसाब से ये मुख्तलिफ तरीके जो हैं वो इस्तेमाल होंगे। आप खुद इसको आइडेंटिफाई जब सोचना शुरू करेंगे तो आइडेंटिफाई करना शुरू कर देंगे कि कौन सी इंफॉर्मेशन के लिए जो है वो कौन सा तरीका, अभी हम उस पर आ रहे हैं। अब उन्होंने इसको जो है रेपिटिशन जो है वो उसको कर दिया कि ये एकदम से जो आप 10 दफ़ा चीज़ को एकदम से कर लेंगे तो वो उतना यूजफुल नहीं होगा, अगर उसको स्पेस देंगे, स्पेस्ड रेपिटिशन जो है वो उसको करेंगे तो वो ज़्यादा यूजफुल होगी, उसका ज़्यादा इम्पैक्ट आता है, ज़्यादा आपकी जो है वो आप उसको अच्छे तरीके से याद चीज़ रह जाती है। कैसे, ये कहता है कि शॉर्ट टर्म के लिए कोई चीज़ जो है वो आपने याद करनी है, थोड़े क्विकली अगर याद करनी है तो उसकी रेपिटिशन की स्पेसिंग बताई हुई है। फर्स्ट रेपिटेशन, राइट आफ्टर द लर्निंग। अभी आपने एक नई इन्फॉर्मेशन पढ़ी है, कोई चीज़ जो सुनी है तो आप उसको रिपीट कर लेंगे उसके फौरन बाद। दूसरी रेपिटेशन जो है वो आप फौरन ही नहीं करेंगे, 15-20 मिनट देंगे दिमाग को जो है वो कहीं और इधर उधर घूमने के लिए, तो दोबारा उसको जाके याद करवाएंगे, ठीक है। तीसरी जो है रेपिटेशन करेंगे आप फिर दिमाग को छोड़ देंगे, पीछे नहीं पड़ जाएंगे उसके, आप दिमाग को छोड़ देंगे कि भैया ठीक है तू अपना काम कर, 6-8 घंटे के बाद दोबारा उसको याद कराएंगे कि फिर उसको रिपीट करेंगे, ठीक, तो वो रजिस्टर करेगा कि हाँ ये बार बार आ रहा है। फिर चौथी रेपिटेशन आप 24 घंटे के बाद करेंगे। लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए जो है पहली जो है वो फौरन कोई चीज़ पढ़ने सुनने जो भी इंफॉर्मेशन आई है उसको 20-30 मिनट के अंदर दोबारा रिपीट करेंगे, पहली दफ़ा तो फौरन करेंगे, दूसरी जो है रेपिटेशन करेंगे 20-30 मिनट, तीसरी जो है वो 1 दिन के बाद करेंगे, और चौथी जो है वो 2-3 हफ्ते के बाद करेंगे, ठीक है। अब ये लॉन्ग टर्म में जा रही है बात कि फिर आपको लंबे अरसे तक ये चीज़ याद रहेगी, और फिर 2-3 महीने के बाद करेंगे। नेक्स्ट है जी
अब दिमाग जो है उसका, मैंने शुरू में जैसे कहा था कि एक हिस्सा चलो उसको सेंट्रल बना लेते हैं, हार्ड डिस्क, हाइपो, वो जो लिम्बिक सिस्टम था, बाकी सारे पार्ट्स जो हैं उसको इन्फॉर्मेशन मुख्तलिफ तरीके से प्रोसेस करके पहुँचा रहे हैं। तो कोई चीज़ देखते हैं तो वो पहुँचती है उधर, रजिस्टर होती है। अगर उसी चीज़ को एक मिसाल ले लेते हैं, ये एक चीज़ मैंने पढ़ी हुई है, मैंने देखी, ये पढ़ी हुई है, जिसने कहा जी ये रिमोट है इसका, लाइट शो का देख ली, अब मेरे दिमाग के अंदर इंफॉर्मेशन चली गई है, अब मैंने इसको पकड़ा, किस तरह का है, इसका क्या टेक्सचर है, इसकी क्या फील है, तो ये सेंस ऑफ टच के ज़रिए भी मेरे दिमाग को पहुंची है, तो उसको दूसरी तरफ से भी इन्फॉर्मेशन आ गया। किसी के बारे में पूछना हो ना, रिश्ता ढूंढना हो, अगर आप पता करो कि हो जो लोग ने, ठीक है, एक सोर्स से आएगा, पुलिस में तो हम काम ही ये करते हैं ना, एक सोर्स से इन्फॉर्मेशन आ रही है, नहीं इसको वेरीफाई करो, दूसरे से आ रही है, तीसरे से आ रही है, जब सारी तरफ से आ जाती है तो फिर हम उसका कोई फायदा, तो दिमाग के अंदर दूसरे सोर्स से पहुँच गई। अब एक चीज़ है, इसका वजन कितना करके है, ये भी एक तरीके से दिमाग के अंदर रजिस्टर होगी कि इस तरह की है। फिर जो है इसकी अगर कोई आवाज़ होती तो वो मैं सुन के देख लेता, इसकी कोई स्मेल है तो वो मुख्तलिफ चीज़ों से करके, तो चार पांच मुख्तलिफ सोर्सेस से जब दिमाग को इन्फॉर्मेशन आएगी तो अब ये चीज़ आपको बहुत अच्छी तरह याद रहेगी कि ये एक चीज़ होती है जिसका नाम स्लाइड शो का रिमोट है, और ये इस तरह करके होती है, इतना कुछ का वज़न होता है, इसकी अगर स्मेल करें तो हल्की सी प्लास्टिक की या उस तरह की स्मेल आती है, और ये इस तरीके से जो है वो चीज़ है। तो पाँच सोर्स, तो हर चीज़ के बारे में जिसमें प्रैक्टिकल हो कोई, आप उसको जो है वो मुख्तलिफ अपने जो अपने पांच सेंसेस हैं उसमें मैक्सिमम यूज़ करने की कोशिश करनी चाहिए, उससे ज़्यादा बेहतर रजिस्टर होती है चीज़ और बेहतर जाके सेव हो जाती है। इब्राहिम लंकन साहब जो हैं वो ऊंची आवाज़ में पढ़ते थे, ये मैं भी करता रहा हूँ और भी बहुत सारे लोग करते हैं कि अब ऊंची, अभी भी करता हूँ हाँ, कि अभी कोई चीज़ पढ़नी है ना तो अकेले बैठे हैं जहाँ आसपास कोई नहीं है तो चलो ऊंची आवाज़ में पढ़ते हैं। ऊंची आवाज़ में पढ़ने का क्या फ़ायदा होगा, आप सुन भी रहे हैं तो आपके कान के ज़रिए भी जा रही है, जो पढ़ रहे हैं आंख के ज़रिए तो जा ही रही है, कान के ज़रिए भी जा रही है, ठीक है जी। तो वो दो तरीके से वो रजिस्टर होती है। तीसरी चीज़ है अटेंशन। अटेंशन से क्या मुराद होती है, अभी यहाँ से किसी ने कहा था जी वो जंगल बना होता है जो सोचों का, तो दिमाग एक टाइम पे बहुत सारी चीज़ें सोच रहा होता है, ठीक, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, बहुत सारे स्टिमुलाई होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो अक्सर दिमाग भटकता रहता है, इट्स वांडरिंग, एक आइडिया पे टिकता नहीं है। तो हमारा सबसे बड़ा कमाल जो है इस पूरे जितनी भी आज हम बात कर रहे हैं इसका मेन जो फोकस है ना वो इस पे है, हाउ टू कीप फोकस्ड ऑन वन थिंग, उस मेंटल हेज को, उस तमाम जंगल को, उस झाड़ झंगाड़ को पास करके आपने फूल तक कैसे पहुंचना है और फूल पे ही अपनी तवज्जो कैसे रखनी है, तमाम कांटों के, झाड़ियों के, सब वीड्स के, जंगल के, उसके होते हुए 100 किस्म के ख्यालात होंगे, उससे बच के निकलना जो है वो आगे है। बात का हम बात करते हुए बात सुन रहे होते हैं अगले बंदे की, बज़ाहर हम सुन ही रहे होते हैं, ये अक्सर है हमारे दरमियान बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि हम बात उसकी बात सुनने के लिए नहीं सुन रहे होते, समझ लेने के लिए नहीं सुन रहे होते, उसकी बात को सरसरी सुन रहे होते हैं, अपना जवाब टका के तैयार कर रहे होते हैं कि मैं हूँ अगर मुँह तक ही जवाब मारना, ठीक है, तो उससे क्या होता है आपको या तो उसकी बात पूरी समझ नहीं आती तो आप उसकी बात को ग्रिप ही नहीं कर पाते, ना ही फिर आपको वो याद रहती है कि क्या बात हुई थी, आप अपनी सोच में पड़ जाते हैं। अपने पहले बात पूरी सुने, पूरी तवज्जो से सुने कि बंदा क्या कह रहा है, जवाब आ ही जाएगा, ठीक है, जब आप सुन लेंगे तो ऑटोमेटिकली जवाब निकल आएगा। तो इस जल्दबाजी में पढ़ने की अक्सर कोशिश होती है कन्वर्सेशन जो है कि बात सुनते सुनते अपना जवाब सोच रहे होते हैं, अच्छा मैं देना ना जवाब, हालांकि अदरवाइज भी देखा जाए तो कोई भी बात हो रही हो उसको मेमोरी से हटके भी तो अक्ल की बात तो ये है ना, तो बात को सुना जाए, उस पर गौर किया जाए, यानी क्या बात की है, वाकई इसमें कुछ हकीकत है। हमारा ये होता है कि हमने करना होता है अपनी ईगो के हिसाब से, आगे से उसको डिफीट करना, हमारी अक्सर डिबेट का ये होता है ना, उसको शिकस्त देना, समझना या किसी नतीजे पर पहुँचना मकसद नहीं होता, हालांकि मकसद ये होना चाहिए। तो हम ये होता है कि उसकी बात सुनते साथ ही जवाब टका के अपना जो भी जवाब है उसमें कोई लॉजिक है नहीं है, और मैं फिर तुन देता हूँ, फिर मैं देखिए मैं कह खड़काता हूँ, मैं फिर देता ना जवाब, हाँ मैं फिर मैं कह दसना मैं तेन ठहर जाता, हाँ ठीक है,
तो वो एक बड़ी जहलों वाली अप्रोच होती है। बात को पूरा सुनना चाहिए और ओपन माइंड के साथ सुनना चाहिए, क्योंकि हर बात में कोई ना कोई हकीकत हो सकती है। फिर एक कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जो अंडरस्टैंडिंग जिसकी जो है वो ज़रूरी होती है। हर चीज़ क्रैम नहीं हो सकती, तो कोई जैसे साइंस के मसले होते हैं, ठीक है, उनकी जब तक पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, इवन मैं तो कहूँगा पॉलिटिकल इश्यूज जो होते हैं और लाइफ के और बहुत सारे इश्यूज होते हैं, जिनकी जब तक आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग, उसका कॉन्टेक्स्ट, उसके पीछे क्या हुआ, उसकी हिस्ट्री, उसके आगे उसके लिंकअप्स, वो जब तक आपको पूरी लॉजिकली समझ नहीं आएंगे, उस वक्त आपको मेमोराइज नहीं कर सकते उन चीज़ों को। कोई चीज़ आएगी तो वो जहन से निकल जाएगी, ठीक है, क्योंकि उसके आगे पीछे है ही नहीं, आइसोलेटेड एक चीज़ आपने खड़ी कर दी है, वाका झोंका आएगा वो निकल जाएगा, ठीक है। तो उसमें यह है, जैसे ये देखें, एक चीज़ होती है वो पढ़ी, ये लॉजिकली चीज़ें जब एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बने होंगे, आपने पूरी तरह समझा होगा, तो एक गरारी जब चलेगी दरमियान में, कहीं एक अटक भी जाएगी तो दूसरी उसको चला देगी, तो पूरा आपका जो है वो सिस्टम वो चलेगा, और वो चीज़ें जो हैं वो आप समझा होगा चीज़ को, किसी मसले को पूरा पूरा समझा होगा, तो वो वैसे ही आपको याद रहेगा, आपको भूलेगा नहीं, ठीक है। तो चीज़ें हमेशा समझ के, जैसे ये नॉलेज है, इसको आपने किसी, हाँ, जैसे स्टूडेंट एक दूसरे को जब बताते हैं तो वो उतनी देर तक बता नहीं सकते जब तक आपने खुद नहीं समझ लिया, लिहाजा आप अपने दोस्त को एक्सप्लेन करें वो चीज़ के, यार ये ऐसे है, अपने लफ्ज़ों में एक्सप्लेन करें, फिर उसके बाद जो है वो उसको इंटरप्रेट करें, फिर उसके बाद उस चीज़ को अप्लाई करने की कोशिश करें कि ये प्रैक्टिकली कहाँ कहाँ अप्लाई होती है, ठीक, उसका मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव्स में रख के उसको देखें कि ये कैसा वर्क करता है ये आइडिया जो है। तो ये सारा इस तरह करते जो है वो आपको मुकम्मल उस पूरे आइडिया पे ग्रिप हो जाएगी, फिर वो आपको नहीं भूलेगा। फिर एक जेन्युइन इंटरेस्ट वाली बात है, जेन्युइन इंटरेस्ट किसी चीज़ में होना। आमतौर पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो कि हमारा उसमें खास इंटरेस्ट नहीं होता, वो हमें याद नहीं रहते, तो ठीक है, इंटरेस्ट नहीं है तो उसको याद रखने की ज़रूरत भी क्या है। लेकिन अगर आप वाकई चाहते हैं उसके बारे में आपको पता हो, तो अगर किसी चीज़ में जेन्युइन इंटरेस्ट आपका डेवलप हो जाए, तो फिर जैसे आप देखें ना कि जो लोग किसी गेम को, से क्रिकेट को पसंद करते हैं, तो उनको याद होगा फलां ने फलां सेंचुरी कब बनाई थी, फलां मैच में कितने स्कोर बनाए थे, पाकिस्तान ने अभी तक कितने जीते हैं, कितने हारे हैं, मुझे तो याद नहीं रहेगा, मेरा इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप, तो आपको जेन्युइन किसी भी फील्ड में, एक साइंटिस्ट बैठे हैं, इनको आप अपने फील्ड का जो दीवाने लेबॉरेटरी में लगे हुए हैं, अपने फील्ड की हर चीज़ पता होगी अपने फील्ड से मतलब जो है, क्योंकि उनका उसमें इंटरेस्ट है। तो कोई भी चीज़ आप जो करना चाहते हैं, कोशिश करें कि उसमें, और ये मुश्किल नहीं होता अगर आप करना चाहें तो जेन्युइन, ये नहीं है कि कुदरत की तरफ से आया जी ये इंटरेस्ट है, होती इंक्लिनेशन ज़रूर होती है, लेकिन आप नए इंटरेस्ट भी डेवलप करते हैं। नए इंटरेस्ट डेवलप करने का एक फ़ायदा ये होता है कि नई चीज़ें जब करते हैं तो उसके अंदर जो है वो आपकी जो दिमाग के और बहुत सारे इससे स्टिमुलेट होते हैं, नई चीज़ें करने से जो पहले यूज़ नहीं हुए होते, ठीक है, तो वो करने से आपका ओवरऑल जो है पूरा दिमाग एक्टिवेट होता है, जो और बहुत सारी चीज़ों में आपको फ़ायदा देता है। जैसे पहले बात हुई इमेज बना लेना किसी चीज़ का, कोई आपके सामने कोई चीज़ आती है, कोई नई इन्फॉर्मेशन आती है, तो उसके साथ किसी ना किसी इमेज को, किसी पुरानी इन्फॉर्मेशन के साथ उसको अटैच कर देना, किसी तस्वीर के साथ अटैच कर देना। इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं कि कौन सी चीज़ों से आपको ज़्यादा बेहतर याद रहेगा। अभी तस्वीरों से बताता हूँ, कुछ चीज़ें बहुत जिसका डायमेंशन बहुत बड़ी होगी वो आपको याद रहेगी, जो तादाद में बहुत बड़ी होगी वो याद रहेगी। तो ऐसे इमेजेस जो हैं उनके साथ चीज़ों को अटैच करें। फिर जो है अल्टरनेटिव, जो रूटीन में नहीं होती, आउट ऑफ रूटीन होती हैं, वो आप करेंगे तो फिर कॉमेडी, फनी सी चीज़ होगी वो ज़्यादा याद रह जाएगी। तस्वीरों से आपको बताता हूँ, कोई एक्शन रोमांस वाली चीज़ होगी तो वो याद रह जाएगी। ये जैसे ये एक बहुत बड़ी मछली पड़ी है, लोग देख रहे हैं, ये सीन आप इन लोगों को जो है वो सालों तक याद रहेगा, इतना बड़ा कद्दू देख के, वो यार वो वाकई। अब इसके साथ कोई जो मेमोरी अटैच हो जाएगी किसी चीज़ की, किसी इन्फॉर्मेशन की, वो भी साथ आपको याद रहेगी, ठीक है। इसी तरह जो है वो इतने सारे सांप अगर आपने देख, तादाद में कि इतने सारे सांप देख रहे हो, तो ये मेमोरी हमेशा आपके जहन में कायम रह जाएगी। इसके साथ जिस जो आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो अटैच होगी, वो हमेशा आपको याद रहेगी। इसी तरह ये है बकरियाँ, उस वो आखिरी शाख तक चढ़ी हुई हैं, ठीक है, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग पिक्चर है। फिर है आपकी ये देखें, ये फनी कॉमेडी वाली, कि आप मुर्गी कैसे हो सकती है कि मुर्गी हल चला रही हो, ठीक है, तो ये इमेज आपके जहन में अगर होगा तो वो उसके साथ अटैच जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको कभी नहीं भूलेगी। हमेशा जब भी याद करेंगे, कोशिश करेंगे, आपको मुर्गी याद आ जाएगी हल में जुती हुई, तो वो आपको सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो
तो उसको कोशिश इसमें इमेजिनेशन मूव करने की बात है कि आप इसकी आदत बनाएं कि चीज़ों को मुख्तलिफ कनेक्शन उनके बना दें, किसी तस्वीर के साथ बना दें, किसी और पुरानी इन्फॉर्मेशन के साथ बना दें, अपने किसी वाक्य के साथ बना दें, अपनी लाइफ की किसी चीज़ के साथ बना दें। होता ना, आप कोई गाना लगता है तो आपको बहुत सारी चीज़ें याद आ जाती हैं, पुराना जब आपको गाना सुनते हैं जो 20 साल पहले सुना था, 30 साल, तो उस वक्त का तमाम माहौल एकदम से दिमाग में एक्टिव हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो इस तरह दिमाग के अंदर वर्क करती हैं, कनेक्शन बने होते हैं, जब वो कनेक्शन बने होते हैं तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो कर लेते हैं। ये भी इसी तरह इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, ये है एक्शन, थ्रिल, ट्रेजेडी, सारा कुछ इसमें शामिल है। तो ये इस तरह की तस्वीरें जो हैं वो, फिर आ जाएं जी कुछ चीज़ें हैं जिसको निमोनिक कहते हैं। अच्छा, उसमें जो है कि आप इंफॉर्मेशन को किसी तरीके से, जैसे मैंने पहले भी कहा, मॉडिफाई कर देते हैं। जैसे स्टूडेंट ये हम हमेशा करते रहे हैं कि इसमें जो है वो पहली तो वही बात, इमेजेस आ गए, आप वो रोजी वाली मिसाल मैंने दे दी, आप अल्लाह दिता है तो आपके जहन में अल्लाह दिता का नाम सुनते हुए ये इमेज आ रहा हो कि वैसे तो बच्चे पैदा ही होते हैं नॉर्मल तरीके से, अल्लाह दिता साहब कैसे हैं जो अल्लाह ने डायरेक्ट ही ऐसा एक बंदा स्पाइडरमैन की तरह नीचे आ रहा हो आसमान से नीचे कि अल्लाह ने दिता है जी, ठीक है। तो वो उस तरीके से एक इमेज बनता हुआ, फ्लाई करता हुआ बंदा अल्लाह दिता साहब तशरीफ ला रहे हैं, तो वो इमेज आपके जहन में हमेशा कायम रहेगा। फिर ये कुछ चीज़ें हम वैसे बना लेते हैं, जैसे एक्रोस्टिक्स कहते हैं उसको, कोई चीज़ आपने याद करनी है जिनके इनिशियल वर्ड जो हैं, चार दवाइयों के नाम याद करने हैं। सर मैं मेडिकल स्टूडेंट होने के नाते कह रहा हूँ, हर फील्ड में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं आपने 1, 2, 3, 4 याद करनी हो, तो उनके पहले वर्ड लेके कोई फिक्रा बना ले, ठीक है। जैसे ये लफ्ज़ हैं कोई भी चार, कोई आपने कोई दवाइयों के नाम हैं या साइन सिम्टम्स के नाम हैं या कुछ और हैं तो उनका एक फिक्रा, वेल डन शाह जी, ठीक है, छोटा। इसी तरह जैसे एक्रोनिम्स होते हैं याद करने के लिए, उसको जो है वो नादरा, नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है। फिर आगे कोई राइम्स बना लेते हैं। फिर ये जैसे चंकिंग कर लेते हैं, बड़ा पीस है ना इंफॉर्मेशन का, सॉरी बड़ा पीस है इंफॉर्मेशन का, तो उसको ब्रेक करते हैं। न्यूमेरिकल्स जो हैं 7 से ज़्यादा जो है वो नहीं आमतौर पर याद होते, तो उसको इसलिए ब्रेक किया जाता है। ये जैसे नादरा का शनाख्ती कार्ड नंबर होता है उसको, ये मैक्सिमम 7 है, पहले 5 इधर कर दिए, फिर 7, फिर 1, तो ये आसान होते हैं याद करने के लिए। पूरे 13 का करेंगे तो याद नहीं रहेगा, ठीक है। लिहाजा उसको बिट्स एंड पीसीज में, अपनी इंफॉर्मेशन को बिट्स एंड पीसीज में कन्वर्ट कर लें और प्रायोरिटाइज। ये बात दुरुस्त है किसी हद तक कि जो चीज़ें आपको प्रायोरिटाइज ही करनी पड़ती हैं, कौन सी इंफॉर्मेशन रखनी है, कौन सी नहीं रखनी है। तो ये बात भी दुरुस्त है कि दिमाग की कैपेसिटी अनलिमिटेड है, लेकिन उसको ओवरबर्डन करने का भी क्या फ़ायदा। प्रायोरिटी होती है ना कि ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है कि आपके हर वक्त दिमाग में रहे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ज़रूरी नहीं है, आप रेफ़र कर सकते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन में सेव कर लेते हैं, जो इतनी आम ज़रूरी नहीं है कि फौरी आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो उसमें से निकाल के देख लेंगे, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन जो है उसको जो है वो हमेशा जो है प्रायोरिटाइज करना चाहिए कि कौन सी चीज़ ज़रूरी है, कौन सी ज़रूरी नहीं है। जैसे इस तस्वीर में भी दिखाया गया है कि जो टू डू लिस्ट है वो सबसे पहले आएगी, फिर उसके बाद अर्जेंट आएंगी, फिर हाई प्रायोरिटी आएंगी, फिर लीस्ट इंपॉर्टेंट आएंगी, तो वो आपसे दूर होती चली जाती हैं। तो दिमाग के करीब तरीन रहेंगी, इस तरतीब से चीज़ें आएंगी। तो उनको आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपके मकसद के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं जिनको आप वाकई याद रखना चाहते हैं। सारा जंगल जगाड़ जो है वो एकदम दिमाग में डालने से चीज़ें ख़राब होती हैं। क्रिस्प इन्फॉर्मेशन जितनी आपको चाहिए उतनी आप इन्फॉर्मेशन डालें दिमाग के, तो वो इंशाल्लाह बेहतर याद रहेगी। प्रायोरिटाइज करें। एक चीज़ आजकल जो है वो ये भी है, माइंडफुलनेस की ट्रेनिंग। ये प्रैक्टिस की चीज़ है कि किस तरीके से, इसको कहते हैं माइंडफुलनेस ट्रेनिंग। माइंडफुल होना क्या होता है जी? माइंडफुलनेस इज़ अ प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग वंस अटेंशन टू द एक्सपीरियंसिस अकरिंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। इस वक्त क्या हो रहा होता है, हम कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम करते रहते हैं, हमें ध्यान ही नहीं होता, सारे काम भी कर रहे होते हैं, हमें ध्यान नहीं होता कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस करने की, हर वक्त करने की चीज़ नहीं है, लेकिन इसके लिए कोई टाइम निकाल लें या रूटीन में कभी, कि जिस वक्त जो कर रहे हैं उसको महसूस करें कि इस वक्त मैं क्या कर रहा हूँ। सबसे बड़ी इसमें होती है जो एक्सरसाइज के तौर पर बताई जाती है, वो है सांस। अपने ही सांस को कभी हमने महसूस किया कि अपना सांस चल रहा है? सांस तो आ रहा जा रहा है, बस आता जाता रहता है, ठीक है, लेकिन उसको महसूस करें। सांस को महसूस करना कि सांस चल रहा है, अपने जिस्म का ये हिस्सा है इस वक्त क्या कर रहा है, इसकी क्या सेंसेशन है, इसकी क्या फीलिंग है, उसको महसूस करना। फिर ऐसी जो है वो
जो अब जब खाना खा रहे हैं, इसके लिए कोई जरूरी नहीं है वो पहले वाली बात कि योगा किया जाए और समुंदर पे जाया जाए या जंगल में जाया जाए, आप डे टू डे चीज़ें आइडेंटिफाई करते हैं, खाना खा रहे हैं और उसके टेस्ट को भरपूर तरीके से चबा चबा के महसूस कर करके खाएंगे कि दैट विल बी, उससे आपकी माइंड ट्रेन होगा चीज़ों पर फोकस करने का। ये नहीं होता आप खाते चले जा रहे होते हैं, कई दफ़ा मैंने कोशिश की है फिर दिमाग इधर भटक जाता है, फिर वापस लाना पड़ता है, फिर भटक जाता है, तो उससे आपकी माइंड को आस्ता आस्ता करके आप ट्रेन करेंगे कि जिससे फोकस उसका बनेगा कि किसी एक चीज़ पे फोकस कैसे करना है। तो माइंडफुल रहना है, अटेंटिव रहना है, न्यूरोबिक्स डिफरेंट चीज़ें करना, बस ये आखिरी है। न्यूरोबिक्स कहते हैं जी, जैसे एरोबिक्स होते हैं ना, वो फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं जो, उसमें न्यूरोबिक्स है कि न्यूरॉन की, जैसे आपने माइंड को आप एथलीट बना रहे हैं, आपके नर्व्स जो हैं वो न्यूरॉन जो हैं उनकी एक्सरसाइज है, ब्रेन की एक्सरसाइज है न्यूरोबिक्स। इसमें क्या होता है कि इसमें आप वही कि बहुत सारी सेंसेस को आप इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को, दिमाग को स्टिमुलेट करने के लिए, तो उस वही देखने की भी, सुनने की भी, सूंघने की भी, सारी चीज़ें जो हैं वो महसूस करने की, वो तमाम हिस्सियात आप यूज़ करते हैं अपने के। लेकिन ऐसी चीज़ें जो आपने पहले कभी ना की हो, नहीं हो, एक काम रोज़ ही करते हैं आप, अब वो काम नहीं करना, आपने एक डिफरेंट सा काम ढूंढना है। मिसाल के तौर पे एक आपकी जेब में कुछ कॉइन्स पड़े हैं, तो तस्वीरों से कॉइन्स पड़े हैं, आप इन कॉइन्स को जो है वो बगैर देखे आप महसूस करेंगे कि ये मुख्तलिफ तरह के कॉइन्स हैं, ये इनमें से कौन सा है। इससे आपका दिमाग स्टिमुलेट होगा कि नई बत्तियां जगेगी दिमाग के अंदर, आप बगैर देखे कॉइन्स को टच करके, उसके किनारे छू के, उसके अंदर तस्वीर को महसूस करके जो बनाई होती है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो करके आप गैस करें, तो एक ये इट्स अ गुड एक्सरसाइज। फिर आप जो है वो घर के अंदर, अपने ही घर के अंदर ब्लाइंड फोल्ड होके या आंखें बंद करके, आप रोज़ उधर घूमते हैं तो आप चलते हैं कितने कदम चल के, कौन सी चीज़ किधर पड़ी है, तो आप उसको डिस्टेंस को ट्रैवल करेंगे, उस चीज़ तक पहुंचेंगे आप घर के अंदर ही जो है, तो इससे एक खास तरह की दिमाग के अंदर जो है आपकी मुख्तलिफ पार्ट्स जो हैं एक्टिवेट होते हैं, उनको मुख्तलिफ स्टिमुलाई मिलते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं, जाग जाते हैं कि अच्छा ये करना है, इससे चैलेंज, आप माइंड को बेसिकली चैलेंज करते हैं, तो माइंड फिर उस चैलेंज को जो है वो जवाब देता है, तो उससे माइंड एक्टिवेट होता है, स्ट्रांग होता है। फिर इसी तरह जो है वो आपके ये आप जो चीज़ रूटीन में सोचते हैं, अभी मैंने पॉलिटिकल मिसाल दी, आप ओपोनेंट का पॉलिटिकल जो है वो व्यू आप सुने, गौर से सुने उसको, उसको सुने भी हाँ यार ये भी एक व्यू है, तो वो उसका जो है वो आपके माइंड को वो भी एक चैलेंज है। आप एक ही तरह की चीज़ें सुनते हैं, एक ही तरह की राय रखते हैं, बाजी मेरी ये राय है इस बारे में, नहीं आप अपोजिट राय है। इसी तरह यह मुख्तलिफ मिसालें सुनने की, आंखें बंद करके एक मिसाला दूसरा मिसाला, इसके आपकी और तरह के सिग्नल जाएंगे, दिमाग उसमें एक्टिवेट होता है। थैंक यू वेरी मच। आपकी नज़र तेरी यादें कांच के टुकड़े, मेरा इश्क नंगे पांव, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। ये आपके लिए चैलेंज है कि आज आपको जो बताया गया है ये ऑटोमेटिक नहीं होने वाला, ये आपको करना पड़ेगा, तो उसी वही दिया बचेगा जिसमें जान होगी, और वही सर्वाइव करेगा, वही स्ट्रांग होगा, उसकी मेमोरी अच्छी होगी। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि